अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कुछ इस तरह का जिसके आप प्रीव्यू के तौर पर वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, अपने फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। बहुत ही इजी है इस तरह का वीडियो क्रिएट करना। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने फोटो से किस तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं वीएन वीडियो एडिटर ऐप को यूज करते हुए। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीएन ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप वीएन ऐप ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर आपने प्लस वाला आइकन में आना है, न्यू प्रोजेक्ट में आना है। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने एक फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है। इस फर्स्ट क्लिप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपने कोई भी 1222 फोटोज सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि 22 फोटोज को कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम अपने कोई भी 22 फोटोज अभी सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्लिप। और 22 फोटोज सिलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लू ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये जो है हमारे वीएन वीडियो एडिटर ऐप में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, साउंड को ऐड करना है। उसके लिए ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है। म्यूजिक ऑप्शन है, म्यूजिक ऑप्शन में आना है। माई म्यूजिक है, माई म्यूजिक में आना है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना है, यहाँ से करना है ओके। आपको साउंड वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपने उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ से आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्जी के किसी भी फोल्डर में कर लेंगे सेव। तो हम इसे यहाँ पे सेव करते हैं, फिर उसी फोल्डर को ओपन करेंगे और जहां पर आपने सेव किया है उस साउंड को यहाँ से सुनने के बाद यूज में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बीट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बीट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ बीट्स लगाने हैं। यहाँ पर हमने बीट्स लगाए हुए हैं, बाकी आपने बीट्स कैसे लगाना है वो आपको बता देते हैं। जहां पर आपने बीट लगाना हो वहां पर अपनी ये वाइड लाइन कर्सर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस रेड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बीट लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने बीट्स लगाए हुए हैं, बाकी आपने कहाँ कहाँ बीट लगाने आपको स्क्रीन के ऊपर हम दिखा देंगे, आपने उसके मुताबिक टाइमिंग देकर बीट्स लगा लेने हैं। अगर यहाँ पर हम सारी वीडियो के ऊपर लगाते रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना आपको भी वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम मुख्तसर करते हैं, ठीक है। बीट लगाने के बाद यहाँ से ओके करते हैं, फिर यहाँ से हमने ओके करना है। ओके करने के बाद देखें अब ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दो फिंगर की मदद से इसे कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है। दो फिंगर की मदद से इसे कुछ इस तरीके से आप जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आपने अपने तमाम फोटोज को इन बीट्स के मुताबिक एडजस्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है और फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से बीट के मुताबिक लेकर आना है। फिर नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी हमने बीट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसे भी बीट के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने बारी बारी तमाम फोटोज को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को जल्दी यानी कि छोटा बनाने के लिए जो है ना तमाम के ऊपर लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर देखें हमने अपने तमाम फोटोज को बीट्स के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। लास्ट में आपको एक ब्लैक पेज नजर आएगा, ये वीएन का जो है ना वाटरमार्क होता है। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऊपर डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसे कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, किसी भी एक फोटो को यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर एफएक्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसका जो है ना कर्सर को इस तरीके से स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद इन ऑप्शन में से आप वैसे कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट लगेगा वो है जूम इन वाला। तो यहाँ पर हम जूम इन को लगाते हैं और इसे यहाँ से सिलेक्ट करके पूरे फोटो के ऊपर जहां तक आता है वहां तक एडजस्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करते ही हमारे तमाम फोटोज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना इन दो फोटोज के दरमियान में, किसी भी फोटो के दो फोटो के दरमियान में आपको वाइट डब्बा सा नजर आ रहा है, उस वाइट डब्बे पे आप करेंगे क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद इन ऑप्शन में आगे आएंगे, आगे आपको लाइट का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपने लाइट पे क्लिक करना है। लाइट पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन आपने यहाँ से रख लेना है 0.5 सेकेंड और उसके बाद यहाँ से आपने कर देना है अप्लाई टू ऑल। यहाँ से अप्लाई टू ऑल करने के बाद अब आपने क्या करना है, पहला जो बीट मार्क लगाया था वहां पर आ जाएंगे, यानी कि जहां पे आपका पहला फोटो स्टार्ट हो रहा है वहां पर आने के बाद ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। वीडियो एंड फोटो है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट करके ले आना है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर इन ऑप्शन में आपने आगे आना है, आगे आपको फिल का ऑप्शन नजर आएगा, फिल पे आप क्लिक करेंगे। फिल पे क्लिक करने के बाद इन ऑप्शन में आगे आएंगे, ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से आपने इसे कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम चलाकर देखते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। लास्ट में हमने अपनी वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी वीडियो को कर लेंगे सेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।